नमस्कार दोस्तों, क्रिकेट लाइन गुरु चैनल में आप सभी का स्वागत है। भाई आज के प्री मैच एनालिसिस में हम बात करेंगे सीपीएल यानी कि कैरेबियन प्रीमियर लीग के 11th मैच के बारे में जो खेला जाएगा त्रिनबागो नाइट राइडर्स और ग्वेना अमेज़न वॉरियर्स के बीच। भाई अब सबसे पहली बात आपको बता दें कि वॉरियर्स ने सीपीएल के पहले मैच में त्रिनबागो नाइट राइडर्स को 5 रन से हराया था। हालांकि वो मैच काफी इंटरेस्टिंग रहा था और ऐसे में एक बार फिर क्या ग्वेना अमेज़न वॉरियर्स एक बार फिर त्रिनबागो को हराएंगे या फिर त्रिनबागो अपनी हार का बदला लेगा, जानेंगे सारी डिटेल्स इस मैच में। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, प्लस बेल आइकन प्रेस करें जिससे आप क्रिकेट लाइन गुरु के सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस पाते रहें। भाई अब इस मैच से जुड़ी मोटी मोटी बात अगर हम आपको बताएं तो यहां त्रिनबागो नाइट राइडर्स के पास ज्यादा फायर पावर मौजूद है। ऑन द अदर हैंड ग्वेना मोस्टली डिपेंड करता है हेटमायर और इमरान ताहिर पर। अब यहां ग्वेना ने लास्ट 2 मैचेस हारे हैं, ऑन द अदर हैंड त्रिनबागो नाइट राइडर्स ने मैचेस जीते हैं, प्लस त्रिनबागो के पास स्ट्रॉन्ग बॉलिंग अटैक भी मौजूद है। गाइज यहां पर अगर हम बात करें कैरेबियन प्रीमियर लीग में दोनों टीम्स की पोजीशन के बारे में तो त्रिनबागो नाइट राइडर्स 4 मैचेस खेल चुके हैं, 2 मैचेस जीते हैं, 2 हारे हैं, पॉइंट्स हैं इनके 4 और यहां नेट रन रेट है इनका +0.493 का। ऑन द अदर हैंड ग्वेना अमेज़न वॉरियर्स ठीक इनके नीचे चौथे पायदान पर बैठे हुए हैं, मैचेस इनके हैं 3, 1 जीते हैं, 2 हारे हैं, पॉइंट्स हैं इनके 2 और नेट रन रेट थोड़ा नीचे है -0.135 का। भाई वेन्यू की हाल और पिच की चाल पर अगर हम गौर करें तो वार्नर पार्क में ये 11th मैच खेला जाने वाला है। अभी तक 10 मैच यहां पर खेले गए हैं जहां फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम 6 बार जीती है तो वहीं रन चेस करने वाली टीम महज 4 बार जीती है। बात करें टॉस की तो दोस्तों 5 बार कैप्टन्स हैव ऑप्टेड टू बॉल फर्स्ट और 5 बार कैप्टन्स ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है। एवरेज स्कोर की दोस्तों बात करी जाए तो यहां 150 से लेकर 160 के बीच का टारगेट सेट किया जा सकता है। हाईएस्ट स्कोर की बात करें तो वो रहा है जमैका तलवाज के नाम 5 विकेट्स पर 255 रन और लोएस्ट स्कोर रहा है बारबाडोस रॉयल्स का 10 विकेट पर 122 रन। अब इसी के साथ अगर हम बैटर्स के परफॉर्मेंस की बात करें तो स्कोर अबव 30 10 बल्लेबाज बना चुके हैं, स्कोर अबव 40 11 बल्लेबाज बना चुके हैं और 14 हाफ सेंचुरीज जड़ी जा चुकी हैं। ऑन द अदर हैंड बॉलर्स के परफॉर्मेंस की बात करें तो टोटल 117 विकेट्स चटकाए जा चुके हैं लास्ट 10 मैचेस में। विकेट टेकन बाय पेसर्स रहे हैं 85 और स्पिनर्स की झोली में गिरे हैं 32 विकेट्स। नाउ मूविंग ऑन टू द टीम्स, पहले बात करते हैं त्रिनबागो नाइट राइडर्स की। भाई टीम भले ही 2 मैचेस जीती है एंड नेट रन रेट बेटर है बट टॉप ऑर्डर फेल होता दिखा है। लिंडन सिमंस कंसिस्टेंटली फ्लॉप हो रहे हैं, सुनील नारायण भी छोटी छोटी पारियां खेलते दिखे हैं, प्लस कोलिन मुनरो भी महज एक ही मैच में रन स्कोर करते दिखे हैं। कैरन पोलार्ड एंड टिम साइफर्ट 2 ऐसे प्लेयर्स हैं जिन पर रन स्कोर करने का जिम्मा है। लुशिया किंग्स के अगेंस्ट इट वॉज त्रिनबागोस बॉलिंग अटैक जिसने मैच जिताया था। रवि रामपाल एज यूजुअल विकेट्स निकाल रहे हैं, इवन अकील हुसैन इज कंसिस्टेंटली टेकिंग विकेट्स एंड कंट्रोलिंग द गेम। इसरू उड़ाना इस दिखाए जो थोड़े से महंगे जरूर साबित होते हैं बट अगेन सक्सेसफुली विकेट्स लेते हैं। वी एक्सपेक्ट सुनील नारायण टू कैरी ऑन हिज गुड फॉर्म। बड़ी बात यह है दोस्तों कि अकील हुसैन और सुनील नारायण बेहद इकोनॉमिकल साबित होते दिख रहे हैं। 8 ओवर्स में जहां उन्होंने लास्ट मैच में महज 28 रन ही दिए थे। ओवरऑल त्रिनबागो नाइट राइडर्स हैव अ बैलेंस्ड टीम इन दिस लीग और परफॉर्मेंस को देखते हुए ग्वेना अमेज़न वॉरियर्स से अपनी हार का बदला वो ले सकते हैं। रही बात ग्वेना अमेज़न वॉरियर्स की तो गाइस त्रिनबागो के अगेंस्ट फर्स्ट मैच जीतने के बाद वॉरियर्स सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स के खिलाफ अपने दोनों मैचेस 8 विकेट और 6 विकेट से हार चुके हैं। अपने लास्ट 2 मैचेस में टीम महज 6 विकेट ही निकाल पाई है जिसमें इमरान ताहिर और नवीन उल हक कंटिन्यूअसली विकेट्स चटका रहे हैं। ओडियन स्मिथ हैड एन अमेजिंग मैच अगेंस्ट त्रिनबागो बट लास्ट 2 मैचेस में ना वो रन बना पाए हैं और ना ही बॉलिंग में कमाल दिखा पाए हैं। खैर लास्ट मैच में मोहम्मद हफीज ने अच्छा परफॉर्म किया है जिसके चलते टीम 166 रन ठोकने में सक्सेसफुल रही थी, प्लस शेमरॉन हिटमायर की फॉर्म टीम के बैटिंग लाइनअप में जान डालती है जो इस लीग में 2 हाफ सेंचुरीज जड़ चुके हैं। ओवरऑल ऑन पेपर देखें तो ग्वेना अमेज़न वॉरियर्स हैज सम एक्सपीरियंस प्लेयर्स बट बॉलर्स उस लेवल पर ऑपरेट करते नहीं दिखे हैं। बस यहां पर निकोलस पूरन, ब्रेंडन किंग एंड शोएब मलिक को अपना क्लास दिखाने की जरूरत है इफ दे वांट टू विन दिस अपकमिंग मैच। अब रही बात प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 की तो दोस्तों त्रिनबागो नाइट राइडर्स की ओर से खेल सकते हैं लिंडल सिमंस, डियोन वेबस्टर, कोलिन मुनरो, कैरन पोलार्ड, टिम साइफर्ट, दिनेश रामदीन, सुनील नारायण, इसरू उडाना, जेडन सील्स, रवि रामपाल, अकील हुसैन। ऑन द अदर हैंड ग्वेना अमेज़न वॉरियर्स की ओर से खेल सकते हैं ब्रेंडन किंग, चंद्रपॉल हेमराज, शोएब मलिक, शिमरॉन हिटमायर, एंथनी ब्रामबेल, मोहम्मद हफीज, निकोलस पूरन, ओडियन स्मिथ, नवीन उल हक, इमरान ताहिर और नियल स्मिथ।
यहां अगर हम दोनों टीम्स की बेस्ट प्लेइंग कॉम्बिनेशन अगर निकालें तो फर्स्ट टीम में शामिल हो सकते हैं निकोलस पूरन, टिम साइफर्ट, कॉलिन मुनरो, शिमरॉन हिटमायर, हेमराज, मोहम्मद हफीज, कारन पोलार्ड, सुनील नारायण, रवि रामपाल, इमरान ताहिर और अकील होसेन। ऑन द अदर हैंड सेकेंड टीम में शामिल हो सकते हैं दिनेश रामदीन, शोएब मलिक, कॉलिन मुनरो, शिमरॉन हिटमायर, टियोन वेबस्टर, मोहम्मद हफीज, हिजरू उडाना, सुनील नारायण, रवि रामपाल, इमरान ताहिर और नवीन उल हक। क्रिकेट की तमाम लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें क्रिकेट लाइन गुरु चैनल को और बेल आइकन प्रेस करें जिससे आप किसी भी वीडियो को मिस ना करें। ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम फॉर क्विक अपडेट्स।